सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका अराइवल 18 पे की एक और नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा के अर्जुन 605 DI का। वैसे तो इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी मॉडल देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा फर्स्ट 605 DI का, जो आता है 57 HP में। तो चलिए जानते हैं इसका प्राइस और इंजन स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम इसके ओवरऑल व्यू की बात करें तो यह काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आता है। सामने की तरफ हैलोजन हेडलैम्प सेटअप व ऊपर की तरफ महिंद्रा का लोगो दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल। इसके बोनट को मैनुअली ही ऊपर उठाना पड़ता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का हाइड्रोलिक जैक नहीं दिया जाता है। सामने की तरफ ही इसमें आपको मिलता है ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट एयर क्लीनर तथा इसी के नीचे आपको बैटरी देखने को मिलेगी। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 3054 CC DI 4-सिलेंडर वाटर कूलर डीजल इंजन, जो 2100 रेटेड RPM पर 57 HP की ताकत व 212 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मिलता है माइको बोश का 4-सिलेंडर इनलाइन फ्यूल पंप। पावर स्टेयरिंग की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग। डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग होने की वजह से इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ट्रैक्टर में आपको दिया जाता है 65 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक, जो बार बार डीजल भरने की झंझट को ख़त्म करता है। डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है डिजिटल विथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसी के साथ हेडलैम्प व हॉर्न के स्विच व नीचे की तरफ इंजन स्टॉपर दिया गया है। इसमें एक और एडवांस फीचर दिया गया है, इसमें आपको कारों की तरह ग्लव बॉक्स भी दिया जाता है। ग्लव बॉक्स में ही आपको 12V का चार्जिंग पॉइंट व काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया जाता है, जो अन्य ट्रैक्टरों में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है कांस्टेंट मैस सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स स्पीड के साथ। इसी के साथ इसमें आपको दिया जाता है ड्यूल क्लच। इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं 3400 mm की टर्निंग रेडियस के साथ। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 1850 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ। ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ ही आपको पार्किंग ब्रेक की पोजीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ नीचे की तरफ आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिलेगा। टायर साइज की बात की जाए तो इसमें आपको दिए जाते हैं 7/50/16 के फ्रंट टायर व 16/28 के रियर टायर। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको स्ट्रेट एक्सल ही देखने को मिलेगा बेवल गियर रिडक्शन के साथ। इसी के साथ पीछे की ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर टॉप लिंक व सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल देखने को मिलेगा। PTO पावर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 49.2 HP की PTO पावर 540 लाइव व रिवर्स PTO स्पीड के साथ। ट्रैक्टर के डायमेंशन की बात की जाए तो 2450 किलोग्राम का ट्रैक्टर का टोटल वेट है। इसमें आपको मिलती है 445 mm की ग्राउंड क्लियरेंस 1965 mm की विड्थ के साथ। इसी के साथ 2125 mm का व्हील बेस दिया गया है। 3480 mm की ओवरऑल लेंथ है इसकी। अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 251 ग्राम की SFC। SFC किसी भी ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी को दर्शाती है। इसी के साथ महिंद्रा आपको ऑफर करता है 2 साल 2000 घंटे की वारंटी। अंत में अगर इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात की जाए तो यह मिलता है आपको 8,50,000 रुपये में। कीमत जगह व मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यह कीमत अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान की है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताजो आपको ऐसी और वीडियो मिल सकें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।